हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। आज SME IPO ट्रांस ट्रेड सीटिंग का वो आज ओपनिंग डे था। इसकी कट ऑफ प्राइस 70 रुपये थी, यानी कि एक इसकी हायर प्राइस 70 रुपये थी। इसकी लिस्टिंग 89 पर हुआ है, 89 के समथिंग। तो पर लॉट 19 रुपये का, सॉरी पर शेयर 19 रुपये का बेनिफिट दिया है। लगभग 27% का ये बेनिफिट दिया है, 27% के मुनाफे के साथ इसकी ओपनिंग हुई है। और अभी ये 93 पर ट्रेड करे, तो अभी यहाँ पर हम लोग कितना स्टॉप लॉस लगाएं। जो लॉन्ग समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उनके मन में सवाल होगा कि अभी कहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो अभी इसमें हम लोग 27% का प्रीमियम पे इसकी लिस्टिंग हुआ। इसके बाद इसमें 4 रुपये का और बेनिफिट देखने के लिए मिला। लगभग यहाँ पर 5 से 6% का और इसमें बेनिफिट्स मिल गया। तो अभी 10% नीचे जा करके हम इन लोग इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अभी ये 93 पर ट्रेड करी है, तो अभी हम लोग इसकी स्टॉप लॉस 83 पर ट्रेड कर सकते हैं, 83 के आसपास, या फिर 80 के समथिंग, 83 से 80 के आसपास में इसमें ये हमारा स्टॉप लॉस रेंज होना चाहिए। ये 3 रुपये का रेंज है, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होना चाहिए। 80 से 83 रुपये पर इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसको ये ब्रेकडाउन करते तो फिर हम लोग आउट हो जाएंगे, नहीं तो अगर ये इस लेवल को होल्ड करती है, इसको ब्रेक नहीं करती और इसके ऊपर निकलते जाता है, तो फिर आने वाले समय में हम लोग स्टॉप लॉस भी ट्रेड कर सकते हैं। और 10% का प्रॉफिट मिल गया, फिर 15% का, तो फिर अगेन हम लोग 5% ऊपर जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि हम लोग ऐसे ट्रेड में बने रहें। अगर फिर अचानक इसमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलती है, तो फिर हम लोग एक परफेक्ट प्लेस से आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट SME IPO है जिसका लिस्टिंग आज ओपन हुआ, जिसका लिस्टिंग आज हुई है, KK शाह हॉस्पिटल लिमिटेड IPO, जिसकी लिस्टिंग आज हुई है। इसकी कट ऑफ प्राइस 45 रुपये थी, और इसकी जो लिस्टिंग हुई है 56 पर लिस्टिंग हुई है, यानी कि पर शेयर 11 रुपये की बेनिफिट दी है। लगभग 22 से 24% का इसने 22 से 24% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई है। तो लगभग एक अच्छा बेनिफिट दिया, 24% का लग समथिंग प्रॉफिट दिया है। बहुत ही शानदार प्रीमियम देकर के इसकी लिस्टिंग हुई है। अभी ये 98 पर ट्रेड करी है, तो अभी हम लोग इसमें 10 से 15 रुपये का, 10 से 12% का स्टॉप लॉस डाल करके इसमें हम लोग होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो अभी हम लोग को जो स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाना चाहिए वो 52 के आसपास में स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाना चाहिए। 52 पर हम लोग स्टॉप लॉस लगा करके इसमें लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर 52 का यहाँ पर ब्रेकडाउन करती है, तो यहाँ से हम लोग को आउट हो जाना है, नहीं तो इस ट्रेड में हमें बने रहना है। अगेन यहाँ पर 15 से 20% का बेनिफिट देती है, तो फिर अगेन हम लोग 5% अपर जा करके इसमें स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट सब लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। चलिए फिर से SME IPO की ओपनिंग होने वाली है, लिस्टिंग होने वाली है 7 नवंबर की, लिस्टिंग होने वाली है मिस डिजाइन IPO की लिस्टिंग 7 नवंबर ट्यूजडे को होने वाली है। इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना हुआ है, कितना हमें लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इन सारी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है, मिस डिजाइन का फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छा है। प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार प्रॉफिट में रही है, अपने प्रॉफिट में लगातार ये इंक्रीज किया है। यहाँ पर देखेंगे तो 0.30 लाख की प्रॉफिट हो रही थी, फिर अचानक 22 में इसके प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने के लिए मतलब 5 लाख के समथिंग इसकी प्रॉफिट हुई, फिर 23 में इसमें 60 लाख के समथिंग प्रॉफिट हुई, फिर 2023 की सेकेंड क्वार्टरली में भी इसमें अच्छा प्रॉफिट मिला है। रेवेन्यू भी इसने बहुत ही शानदार जनरेट की है, इसके रेवेन्यू में भी लगातार वृद्धि देखने के लिए मिली है। उधारी है इस कंपनी में, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। इसकी मान 21.75 है, पोस्ट पी 75.31 है, और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 27.86% है। इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो बहुत ही शानदार इसकी सब्सक्रिप्शन हुआ है, 135.43 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल कैटेगरी 166.74 टाइम्स भरा है, अदर 98.44 टाइम भरा है, सबसे ज़्यादा रिटेल कैटेगरी ही भरा है। अभी इसकी GMP देखें तो इसकी GMP कितना पर ट्रेड करी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसकी GMP अभी 70 रुपये है, इसकी कट ऑफ प्राइस 122 रुपये है, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में ये 192 पर ट्रेड करी है, 57.38% के समथिंग ये प्रॉफिट दे रही है। इसकी सब्सक्रिप्शन जिस तरीके से गया उसके हिसाब से लगता है इसकी जो लिस्टिंग हो सकती है वो 55% से लेकर के
63% के रेंज में, 55% से लेकर के 63% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इसी के बीच में इसकी लिस्टिंग होगी, बहुत ही शानदार लिस्टिंग होगी। इसके प्रीमियम अभी 57% पर दे रही है। मे भी इसमें 2-3% का और डाउनफॉल देखने के लिए मिले, या फिर इसमें 2-3% का और उछाल देखने के लिए मिले। तो 55% से लेकर के 63% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। इसी बीच की रेंज में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। बहुत ही शानदार इसकी लिस्टिंग गेन मिलेगा, क्योंकि अभी भी 57.38% का बेनिफिट दे रही है। तो बहुत ही अच्छा इसके लिस्टिंग प्राइस मिलने वाला है, लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, बहुत ही शानदार लिस्टिंग गेन इसमें मिलने वाला है मिश डिजाइन आईपीओ में। फिर नेक्स्ट आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ है, मामा अर्थ आईपीओ, जिसकी लिस्टिंग मामा अर्थ आईपीओ, इसकी लिस्टिंग गेन कहाँ पे हमें मिल सकती है। इसकी लिस्टिंग चेंज हो चुकी है, 7 नवंबर को अब इसकी लिस्टिंग होंगी, यानी कि कल। तो इसमें हमें कितना बेनिफिट मिलेगी, इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखें तो इसकी सब्सक्रिप्शन हम लोग यहाँ पर देखें तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट, पहले लॉस मेकिंग कंपनी था, अभी भी ये लॉस मेकिंग है। इसकी प्रॉफिट में स्थिरता नहीं है, इसकी रिटर्न ऑफ नेटवर्थ नेगेटिव है, और इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस 7.61 टाइम्स ही हुई है। तो कुछ खास इसके सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। इसकी जीएमपी देखें तो 25 रुपये पर ट्रेड करें। इसकी जीएमपी की ओपनिंग जो हुई थी 47 रुपये के समथिंग इसकी जीएमपी की ओपनिंग हुई थी, धीरे धीरे घट करके कुछ कभी घटा कभी बढ़ा, और आज 25 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड करी है। अनलिस्टेड मार्केट में 349 पर ट्रेड करी है, इसका कट ऑफ प्राइस 324 रुपये है। अनलिस्टेड मार्केट में 7.72% की प्रॉफिट दे रही है अपने निवेशकों की। तो मे भी इसकी जीएमपी में और गिरावट देखने के लिए मिले, या फिर कल इसकी जो लिस्टिंग हो सकती है कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर 7-8% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो हम लोग इसकी लिस्टिंग के कयास जो लगा सकते हैं, 0% से लेकर के 10% के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट में भी हो सकती है, या फिर 2-4% की प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला, लंबे समय के लिए होल्ड करना तो इसमें बेवकूफ़ी ही होगी, क्योंकि यह कंपनी इस कंपनी में प्रॉफिटेबली में जो प्रॉफिट है उसमें स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये कंपनी थोड़ा सा हमें मूर्ख बना रही है। इस कंपनी से इस आईपीओ में तो मैं अप्लाई भी नहीं की थी, मैं डिटेल वीडियो बनाई थी उसमें मैं क्लियर करती थी कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इस तरीके के आईपीओ में मेरा इंटरेस्ट होता नहीं है, जो लॉस मेकिंग कंपनियां होती है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, जिस समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।